तो गाइस पिछले 24 घंटों में ट्रेवलर की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आई देखते हैं इस वीडियो में। आखिर सोलो सिकोवा ने क्यों दिया रामिरेज को गाली और गाली देकर क्या कहा रामिरेज के बारे में, उसके बाद क्या आपको पता है आखिर रामिरेज की सैलरी 2014 में कितना था और इस समय 2024 में कितना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर बॉबी लैशली को लेकर काफी सैड न्यूज है, क्या बॉबी लैशली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के छोड़कर जा चुके हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलता रहेगा चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलो सिकोवा ने आखिर क्या कहा रामिरेज को। वेल इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर जब सामना हुआ था यहाँ पर सोलो सिकोवा और रामिरेज का, तो सोलो सिकोवा जाते जाते यहाँ पर रामिरेज को बोल गए कि यहाँ पर जो कोडी रोड है ये तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, ये तुमको पसंद नहीं करता। उसके बाद गाइस यहाँ पर सोलो सिकोवा ये भी कहते हैं कि देखना जिस तरह तुम उसको डिस्ट्रॉय किए थे एक दिन आकर तुमको ये भी डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं रामिरेज की सैलरी के बारे में, इनका 2014 में आखिर कितना सैलरी था। वेल गाइस जो रामिरेज की पहली बार यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू हुआ था 2014 में हुआ था, तब उनकी सैलरी यहाँ पर $25,000 थी। उसके बाद गाइस यहाँ पर इनके जो सैलरी हुआ 2018 में वो था $4.3 मिलियन। उसके बाद गाइस इनका 2021 में जो सैलरी हुआ वो था यहाँ पर $5 मिलियन। उसके बाद गाइस यहाँ पर 2024 में इनका सैलरी बढ़कर होता है $15 मिलियन। वैसे गाइस ये एक दिन का काम तो नहीं है, रामिरेज पिछले 10 सालों से यहाँ पर लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एपिक ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको पता है अप्रैल 2024 में जब यहाँ पर सेथरन का साथ देने आए थे तो उन्होंने यहाँ पर काफी बढ़िया से साथ दिया था। यहाँ पर सेथरन जो आए थे यहाँ पर रामिरेज के खिलाफ थे और यहाँ पर 4 महीने बाद यहाँ पर रामिरेज खुद यहाँ पर कोडी रोड का साथ देने आए। तो गाइस इसको देखकर आपको क्या पता चल रहा है आखिर कौन यहाँ पर होगा, रामिरेज या फिर कोडी रोड। उसके बाद गाइस एग्जैक्टली आज 1 साल हो चुके हैं यहाँ पर दी रॉक को रिटर्न किए हुए स्मैकडाउन पर। वैसे गाइस आज का वो दिन था जब यहाँ पर दी रॉक ने रिटर्न किया था स्मैकडाउन पर, तभी उन्होंने ये पिक साथ में लिया था आप देख सकते हैं, और वहाँ पर काफी सारे स्मैकडाउन पर व्यूअरशिप इन्हीं की वजह से देखने को मिला था। और गाइस 105 मिलियन व्यूअरशिप अकेले यहाँ पर दी रॉक ने यहाँ पर गेन किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला वो होगा यहाँ पर बैड ब्लड, ये होगा यहाँ पर 5 अक्टूबर को। तो गाइस अब तक की इसके लिए यहाँ पर 5 मैचेस जो की डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो दोनों यहाँ पर यूएफसी का फाइट देखने गए थे, पर गाइस दोनों अलग अलग सेक्शन में बैठे हुए थे, रे मिस्ट्रियो अपनी वाइफ के साथ गए थे और डोमिनिक मिस्ट्रियो अकेले गए थे। वैसे गाइस सर्वाइवर सीरीज के लिए ऑफिशियली यहाँ पर 15,000 टिकट बुक हो चुके हैं अभी तक। वैसे गाइस यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज जो की होने वाला इस बार का यहाँ पर होगा 30 नवम्बर को।